समर्थ स्वामी रामदास। समर्थ स्वामी रामदास का जन्म रामनवमी 1608 में गोदा तट के निकट ग्राम जांब जिला जालना में हुआ। पिता सूर्याजी पंत ठोसर ग्राम कुलकर्णी में राजस्व अधिकारी थे। माता का नाम राणूबाई था। कुल में 21 पीढ़ी से सूर्योपासना परंपरा थी। कुटुंब में दो पुत्र थे, ज्येष्ठ गंगाधर व कनिष्ठ नारायण यानी समर्थ रामदास। जब 8 वर्ष के नारायण को एकांत में संचित देख मां ने पूछा, बेटा चिंता किसकी करता है? उत्तर था, मां चिंता करूं विश्व की। उत्तर को बचपना समझ मां भूल गई, परंतु आगे और भी अतर्क घटित हुआ। जब 12 वर्ष की आयु में विवाह की बात पर नारायण ने कहा, हमें गृहस्थी करना नहीं है, मां ने इसी भी बचपना समझ विवाह रचाया व आज्ञा दी, जाके वेदी पर खड़ा हो। नारायण ने आज्ञा तो मानी, परंतु जो ही वधू वरियो सावधान घोष हुआ, मंडप से वो दूल्हा फुर्ती से भागा, ढूंढने पर भी ना मिला और गोदा तट पर बसी नासिक के टाकली गांव में जाकर भिक्षा मांगने लगा और वही रहने लगा। उनका कार्यक्रम था प्रातः शुद्ध होकर जप व्यायाम भिक्षा व अध्ययन, विशेष ये कि किसी के शिष्य न थे। 12 वर्ष बाद उनका व्यक्तित्व प्रखरता पूर्ण निखरने लगा। बलवान व चपल देह, शस्त्र शास्त्र व अश्व चालन में निपुण, तीव्र बुद्धि, साहित्य सृजन क्षमता, व्यवहार व संगठन में कुशल, समर्थ रामदास स्वामी ने समाज में स्वतंत्रता के विषय में वैचारिक क्रांति का अलख जगाने का कार्य आरंभ कर दिया। रामदास जी ने वाल्मीकि की पूरी रामायण अपने हाथ से लिखी। ये पांडुलिपि आज भी धुवलिया के श्री एस देव के संग्रहालय में सुरक्षित है। रामदास जी के हजारों शिष्यों और अंबाजी उनकी हर प्रकार से सेवा करते और उनके वचनों को कलमबद्ध करते। समर्थ गुरु रामदास जी ने अपना समस्त जीवन राष्ट्र को अर्पित कर दिया। 12 वर्ष की अवस्था में अपने विवाह के समय शुभ मंगल सावधान में सावधान शब्द सुनकर नारायण विवाह के मंडप से निकल गए और टाकली नामक स्थान पर श्री रामचंद्र की उपासना में संलग्न हो गए। उपासना में 12 वर्ष तक वे लीन रहे, यही उनका नाम रामदास पड़ा। इसके बाद 12 वर्ष तक वे भारत वर्ष का भ्रमण करते रहे। इस प्रवास में उन्होंने जनता की जो दुर्दशा देखी, उससे उनका हृदय संतृप्त हो उठा। उन्होंने मोक्ष साधना के स्थान पर अपने जीवन का लक्ष्य स्वराज्य की स्थापना द्वारा आतताई शासकों के अत्याचारों से जनता को मुक्ति दिलाना बनाया। शासन के विरुद्ध जनता को संगठित होने का उपदेश देते हुए वे घूमने लगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने 1100 मठ तथा अखाड़े स्थापित कर स्वराज्य स्थापना के लिए जनता को तैयार करने का प्रयत्न किया। इसी प्रयत्न में उन्हें छत्रपति श्री शिवाजी महाराज जैसे योग्य शिष्य का लाभ हुआ और स्वराज्य स्थापना के स्वप्न को साकार होते हुए देखने का सौभाग्य उन्हें अपने जीवन काल में ही प्राप्त हो सका। इस समय महाराष्ट्र में मराठों का शासन था। शिवाजी महाराज रामदास जी के कार्य से बहुत प्रभावित हुए तथा जब इनका मिलन हुआ, तब शिवाजी महाराज ने अपना राज्य रामदास जी की झोली में डाल दिया। रामदास ने महाराज से कहा, ये राज्य न तुम्हारा है न मेरा, ये राज्य भगवान का है, हम सिर्फ न्यासी हैं। उन्होंने 1603 में 73 वर्ष की अवस्था में महाराष्ट्र में सज्जनगढ़ नामक स्थान पर समाधि ली।